तो सर ट्रेंड कोई भी चल रहा हो पर अगर स्लो मोशन का देखें या फिर हाइपरलैप्स वीडियो का देखें या फिर टाइमलेस वीडियो का देखें तो वो ट्रेंड कभी जा नहीं सकता। तो सर टाइमलेस वीडियो क्या है, हाइपरलैप्स कैसे बनाए, स्लो मोशन वीडियोस के अंदर किस टाइप का हमको स्लो मोशन रखना पड़ेगा, क्या FPS सेटिंग होगी, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वीडियो को क्रिएटिव बनाने के लिए, तो इस वीडियो में आज पूरी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य सोमपुरा, आप देख रहे हैं सौम्य व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश वीडियो जिसमें बात करेंगे हाइपरलैप्स स्लो मोशन की और कैसे हम अपने वीडियो को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। तो दोस्तों नेचुरली मैं बात करूं तो हाइपरलैप्स और स्लो मोशन में डिफरेंस क्या है, हाइपरलैप्स और स्लो मोशन में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि हाइपरलैप्स जो है वो स्लो मोशन का ऑपोजिट है। अगर आप स्लो मोशन वीडियो बनाते हो तो एक स्मूथनेस और एक स्लो मूव आता है उसमें, और हाइपरलैप्स वीडियो में एकदम टाइम लैप्स की जैसा हो जाता है। हाइपरलैप्स वीडियो जो है वो टाइम लैप्स का ही पार्ट है। अगर आप टाइम लैप्स नहीं जानते तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर बता दूंगा टाइम लैप्स क्या होता है। जब हम एक नॉर्मल वीडियो को शूट करते हैं तो उसे हम जब फास्ट मोशन में करते हैं तो उसी को नेचुरल तौर पर टाइम लैप्स कहा जाता है। पर आजकल के स्मार्टफोन में टाइम लैप्स का एक अलग से ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है, और टाइम लैप्स जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप बहुत ही क्विक वीडियो बनाना चाहते हैं, फास्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, एक मोशन शॉट लेना चाहते हैं, एक मोशन शॉट के अंदर टाइम लैप्स का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जैसे मैं आपको कुछ डेमो वीडियोस दिखाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं। अगर मैं मोशन शॉट्स लेता हूं तो उसके लिए मेरा कैमरा स्टेबल होना चाहिए। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं है कैमरे के अंदर तो अपने हैंड्स या आपके पास अगर ट्राइपॉड हो तो आप ट्राइपॉड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं और कैसे हम इस पे वर्क करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग का भी मैं आपको एक छोटा डेमो दे दूंगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर टाइम लैप्स का मोड ऑन कर रखा है कैमरे में जाके, जो टाइम लैप्स का मोड ऑन होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम लैप्स कैसे हम ऑन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम यहाँ पर एक जगह पर आए जहाँ पर एक अच्छा सा व्यू दिख रहा है, हमें टाइम लैप्स बनाना है। अब जैसे हम यहाँ पर सेंटर में फोकस करते हैं हमारे कैमरे को, यहाँ पर हम क्या करते हैं स्क्रीन पे हमारा एक्सपोजर लॉक करते हैं। अब मैं आपको जैसे टाइम लैप्स क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे अपने कैमरे का मोड आ गया, यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर हम जाते हैं, मोर के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर टाइम लैप्स दिख रहा है तो टाइम लैप्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे टाइम लैप्स को क्लिक करा तो यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम टाइम लैप्स को शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने पहले एक्सपोजर लॉक कर दिया, उसके बाद हम टाइम लैप्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सपोजर मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद यहाँ पर हम एक्सपोजर को लॉक कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे हमारा टाइम लैप्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर बटन शुरू कर दी, शुरू करने के बाद हम जैसे धीरे धीरे जो पीछे जा रहे हैं हम इस तरह से हम हल्के से इस वीडियो को एकदम स्टेबलाइजेशन के साथ इस वीडियो को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए वीडियो चल रही है, ठीक है। जैसे हम अपने हैंड को जिस तरह से काम करवाएंगे वैसे ही हमारी वीडियो जो है वो एकदम स्मूथ बनेगी। अगर हम हमारा हैंड को जैसे अभी यहाँ थोड़ी खुरदरी जगह है तो मेरा हैंड थोड़ा स्टेबलाइज नहीं है, पर आप अगर कोई जगह पर बनाते तो आप अपने हैंड को या तो ट्राइपॉड से या फिर अपने हैंड्स दोनों से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अब हम जैसे मोड चेंज करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, हमने एक्सपोजर लॉक किया और यहाँ पर हम थोड़ा आगे की ओर जाते हैं और हमारी स्क्रीन को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब थोड़ी खुरदरी जगह है, पर यहाँ पर स्टेबलाइजेशन में जितने से मेंटेन कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप कोई टाइमलेस वीडियो या फिर स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो में कोई भी हिलावट नहीं आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर वीडियो जैसे मैंने बनाई तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, आप कैसी वीडियो बनी है वगैरह, कैसा हमको इसका रिजल्ट मिला है जो भी है। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।